तो यार बहुत सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि LG की नई सीरीज आने वाली है, LG W सीरीज, जहाँ पे अब नए फोन्स वैसे आ भी गए हैं, LG W10, LG W30, LG W30 Pro, और सीरीज बाद है LG ने अपना वही काम किया है, कचरा कर दिया एकदम से। यार कंपटीशन को थोड़ा सा देख लेते, पढ़ लेते, रिसर्च कर लेते, उसके बाद अपने फोन्स को यहाँ पे लॉन्च कर लेते। और मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि ऐसी ऐसी वीडियोस बन रही है यार अनबॉक्सिंग, मतलब इतने हैरान हो गए लोग कि LG ने इतना अच्छा काम कर दिया, ऐसी वीडियोस बन रही है यार। मतलब मुझे समझ नहीं आया LG ने किया क्या है और ऐसी वीडियोस कैसे बन सकते हैं। मतलब यार कुछ तो बता दो कि ऑडियंस को भी LG ने किया क्या है सच में। चलो मैं बताता हूँ आपको LG W10, W30 और 30 Pro के बारे में, क्यों आपको इनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल कचरा फोन है। अगर आप कंपटीशन में देखोगे ऐसा लगता है किसी यार मतलब एक नई ऑफलाइन कंपनी ने स्मार्टफोन्स यहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं, जो जिनकी तरफ मैं आपको देखने को रेकमेंड करूंगा भी नहीं। तो यार यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं अमन ऑफ द ग्रेट टेक सॉम के एक लेटेस्ट एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे हमारे LG W10 के साथ हम शुरू करते हैं, और W10 जो है वो आपको देखने में ठीक ठाक लगेगा फोन। 6.19 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आता है, HD प्लस की डिस्प्ले है, और ये जो फोन है वो आपको तकरीबन मिलने वाला है 9000 के प्राइस पॉइंट पे। 9000 के प्राइस पॉइंट में हमें देखने को मिलेगी HD प्लस की डिस्प्ले, चलो ठीक है, सेटिस्फैक्टरी मैं कहूंगा, बहुत ज्यादा कोई डील ब्रेकर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हीलियो P22 देखने को मिलने वाला है, जहां पर हमें 9000 के प्राइस पॉइंट पे आजकल हीलियो P70 देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 636 देखने को मिल जाता है, वहां पर हमें ये वाला प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। 3GB की रैम है, 32GB की स्टोरेज है, ये आपको नोट कर लेना है। उसी के साथ 13+5 मेगापिक्सल का बैक साइड पे कैमरा देखने को मिलेगा, और फ्रंट साइड पे आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का कैमरा। बैटरी अच्छी है, 4000mAh की बैटरी है, और ये यार मतलब क्यों लेकर आए हैं फोन मुझे नहीं पता 9000 के प्राइस पॉइंट पे। अब बात करता हूं यहां पे हमारे LG के W30 के बारे में। W30 जो है वो आएगा आपको तकरीबन 10000 के प्राइस पॉइंट पे, और 10000 के प्राइस पॉइंट पे आप अगेन हिलने वाले हो। अब यहां पे आपको 10000 में 6.26 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, और ये भी वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आने वाली है। आपके फोन में यहाँ पे बेजल्स जो है वो काफी ज्यादा मोटे देखने को मिलेंगे, और डिस्प्ले अगेन 10000 में फुल HD वाली भरी बनी है, और ये HD दे रहे हैं। उसके बाद हीलियो P20 इसके अंदर B डाला गया है, यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही प्रोसेसर के मामले में, पर यहाँ पे 3 और 32GB का कॉम्बो अगेन देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ बता दें यहाँ पे 12+13+2 मेगापिक्सल के कैमरा देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको एक वाइड एंगल देखने को मिलेगा और एक डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का, और यहाँ पे फेस अनलॉक भी आप कर सकते हो, और इस फोन में सेल्फी कैमरा अच्छा होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर गाइस 4000mAh की बैटरी है, और साथ ही साथ एंड्रॉइड 9 है, जो कि स्टॉक एंड्रॉइड है, वनीला OS। तो यार ये OS तो काफी अच्छा है, पर यार हार्डवेयर का क्या किया मुझे नहीं पता। 10000 में आप इससे लाख गुना ज्यादा अच्छे फोन्स खरीद सकते हो। LG W30 Pro के बारे में बात करूं तो 6.27 इंचेस की हमें डिस्प्ले, अगेन HD प्लस है गाइस, फुल HD यहाँ भी देखने को नहीं मिलती है। प्रो मॉडल के यहाँ मतलब इन्होंने W30 प्रो लिखा है, प्रो इसमें क्या है मेरे को नहीं पता। स्नैपड्रैगन 632 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्रोसेसर अच्छा है, पर कंपटीशन देखो यार 12000 में, मतलब ये फोन का अभी प्राइस सेट नहीं हुआ है, बट जो पता चला है कि 11-12000 होने वाला है। तो यार इस प्राइस पॉइंट में मेरे हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसर हमें देखने को मिल जाते हैं। हमें यहाँ पे 4+64GB का कॉम्बो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी ट्रिपल कैमरा से गाइस, और यहाँ पे 13+8+5 का कैमरा है, और फ्रंट कैमरा अगेन 16 मेगापिक्सल का है। 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, और एंड्रॉइड पाई देखने को मिल जाएगा। तो यार ये है सारे का सारा LG ने जो कि अपना भंडार डाला है 3 फोन्स का W सीरीज के अंदर। हमें बताया गया था कि फोन जो है वो लीक्स के हिसाब से बहुत करारा होने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन देगा, हीलियो P70 के साथ आएगा, हीलियो का ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या कैमराज होंगे ये वो। ठीक है कैमराज डिसेंट हो सकते हैं, LG के कैमराज डिसेंट होते हैं, सेल्फी कैमरा भी अच्छी होगी, अभी बैटरी भी ठीक ठाक है। हार्डवेयर का क्या हुआ, डिस्प्ले का क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया। आप Redmi Note 7S ले सकते हो, आप Realme 3 ले सकते हो, यहां पर मैं कहूंगा Samsung का M20 भी काफी अच्छा रहेगा इस फोन के सामने, मतलब ये जो W30 है, W10 है इनके सामने। और उसके बाद यहां पर ही मतलब और भी बहुत सारे फोन है, Realme का U1 आ जाता है। तो मेरे को नहीं समझ आ रहा ये मतलब ये जो ब्रांड है वो एक मतलब इसको हम फर्स्ट टीयर में गिनते थे यार, मतलब नंबर वन टीयर जो ब्रांड्स होते हैं जो
अपर लेवल के ब्रांड्स होते हैं उसमें एलजी गिना जाता था, और इंडिया में ये खत्म होता जा रहा था। तो डब्ल्यू सीरीज लानी थी तो ये कुछ अच्छा काम करते, थोड़ा कॉम्पिटिशन देते, कॉम्पिटिशन के नाम पर इन्होंने घंटा बचा दिया है और यूट्यूब पर यार फैल रखा है कि एलजी ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे बता दो आप कॉमेंट सेक्शन में क्या 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 हीलियो P20 स्नैपड्रैगन 6322 इस प्राइस पे आने लायक है क्या? मतलब LG की इतनी रेपुटेशन नहीं है इंडिया में जितनी कि Samsung की है। Samsung ने अपना काफी इंप्रूव किया है, बट LG ने वही काम किया है जो कि मतलब पहले करता था कभी और आज भी वही है, और ऐसा लग रहा है कोई थर्ड क्लास कंपनी आ गई है अपने ऑफलाइन फोन्स लेके। यार अपनी जो भी ओपिनियंस है मेरे को ज़रूर से नीचे बता देना यार। यहाँ पर आप LG के साथ जाओगे क्या, और या फिर नहीं तो आप Samsung, Redmi या Realme जैसे ब्रांड से यहाँ पे चूज़ करना चाहोगे? जो भी आपका ओपिनियन है मेरे को नीचे बता देना, और इससे थोड़ा दूरी रहो, LG के फोन से लेने की जरूरत नहीं है। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक अपना चैनल करके रखिए ख्याल। Keep smiling and always take care guys and love you, take care।